जिन नन्हे हाथों में किताबें होनी चाहिए। कस्बा बिलासपुर के एक स्कूल ने उन मासूमों के हाथ पकड़ा दी हैं ईंटें, जबकि अध्यापक तो इन बच्चों की देखरेख करने के लिए छांव में खड़ा रहा, लेकिन कड़कड़ाती धूप में ही मासूम बच्चे लगभग 500 मीटर दूर से ईंटों को उठाकर लाते रहे। बता दें कि ये वही स्कूल है जिसने अपनी वाहवाही लूटने के लिए एक पेपर में अपने स्कूल का रिजल्ट 100% बताया था, लेकिन हकीकत ये है कि एक ही क्लास में फर्स्ट सेमेस्टर में 53 बच्चों में से 24 बच्चों की कमांडमेंट है। और ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ाई तो भले ही बच्चे ना सीख पाए, हाँ उन्हें मजदूरी करना ये स्कूल जरूर सिखा देगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या कर रहे हो? कहाँ से ला रहे हो ईंटें? कितनी देर से लगे हुए हो? ये ईंटे क्यों बच्चों से उठवाई जा रही है? वैसे नहीं उठा रहे सर, ये तो वैसे थोड़ा सा स्कूल का काम कर रहा था, यहाँ पर थोड़ी थेरेपी के लिए दीवार बनाने की। इसके लिए लेबर का नहीं यहाँ चाहिए था? लेबर सर, लेबर तो लगा देंगे सर। नहीं, आप पास में नहीं, वैसे कुछ नहीं है, वैसे और कुछ नहीं है सर मुझसे। आप पास में खड़े होके इनको सुपरदारी कर रहे हो? सॉरी, सुपरवाइजर नहीं है सर, मैं तो टीचर वैसे खड़ा था जी यहाँ पे। क्या नाम आपका? मेरा चंद्रमान। सदौरा से अजार टीवी न्यूज के लिए परवीन सैनी की रिपोर्ट।